हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, हम रेलवेज़ के लिए प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या फिर कहते हैं लाइफ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिप ऑफ द डे आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी, जिससे आपका जो 1 मार्क्स किस तरह से सिक्योर करना है, जो बुक्स में नहीं दिया गया होगा या फिर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी, वो किस तरह से सिक्योर करना है ये बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, किसी बच्चे का लिंग किस से निर्धारित होता है, तो इसका राइट आंसर है क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम एक्चुअली होता क्या है, पेयर्स में होते हैं क्रोमोजोम। ठीक है, 23 पेयर्स में क्रोमोजोम होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है, पेयर मतलब जोड़ी, ठीक है, 23rd जो 23वीं जोड़ी होती है, वो जो है वो क्रोमोजोम की जोड़ी सेक्स डिसाइड करती है बच्चे का। ठीक है, अगर मेल है तो XY एंड इफ फीमेल इज देयर XX। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है फेलियर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, जख्म होने पर, जब जख्म होता है और खून निकलने लगता है, अगर विटामिन के की कमी होगी तो फिर वो खून बहता ही जाता है, खून रुकने का नाम नहीं लेता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, WHO हैज established डैश इनिशिएटिव फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल मतलब गैर संक्रामक, मतलब छूने से वगैरह, फिर बात करने से, छींकने से वगैरह फैलती नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी हेल्दी बी मोबाइल। ठीक है, बी हेल्दी बी मोबाइल। नेक्स्ट, ओके, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन हो अच्छे से पढ़ना। इसमें देखिए, ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट एनेमलम या फिर कहे तो सॉरी हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो इसका राइट आंसर है दांत की परत। ठीक है, दांत की परत, तो या फिर टूथ एनेमलम, ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, मॉस्किटो की वजह से कौन सी बीमारी फैलती है, तो ये बच्चा बच्चा भी जानता है, लेकिन ये क्वेश्चन RRBJEE में आया था, है ना। कोई भी क्वेश्चन को कम मत समझो, डोंट अंडरएस्टिमेट एनीथिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, वायरल डिजीज कौन से ऑप्शंस में देखिए, तो मिसल्स जो है या फिर कहते तो खसरा, ये है वायरल डिजीज़। ठीक है, ये बेरी बेरी जो है विटामिन बी के कमी की वजह से होता है। साइफिल्स एक STD है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसफर्ड डिजीज़, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट रिवाइज, कीप रिवाइजिंग, वीडियो बार बार देखते रहो, कीप रिवाइजिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, जो विटामिन बी का सोर्स, रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो वो है सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स मतलब अनाज विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स है। चावल में पाया जाता है विटामिन बी, जैसे नियासिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, इस तरह से अनाज में विटामिन बी बहुत ज़्यादा होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, कौन सी ऐसी कैविटी है जो फील्ड है विथ एयर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, गुहा की तरह होती है, केव की तरह होती है, तो वो होते साइनस। ठीक है, साइनस एक गुहा की तरह होती है, ये मतलब एयर से भरी हुई होती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, यहाँ ध्यान देना, इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका राइट आंसर है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ लीवर, सॉरी ह्यूमन बॉडी, 1.39 to 1.59 kg, इतना वेट होता है, एक फुटबॉल की तरह होता है ये, आई मीन नॉट इन शेप, मतलब फुटबॉल का कैसा वजन होता है उतना वेट होता है इसका। और अगर इन्होंने पूछा कि एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल के जगह अगर उन्होंने एक्सटर्नल पूछा होता तो उसका राइट आंसर होता स्किन। ठीक है, स्किन जो है हमारी बाहरी, नहीं आंतरिक नहीं, बाहरी अंग, बहुत बड़ा जो है ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स क्या है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका जो है रिचेस्ट सोर्स खट्टे फल या फिर सिट्रस फ्रूट, आंवला, ऑरेंज, लेमन। ठीक है, जो भी खट्टा है वो सारे विटामिन सी के अच्छा सोर्स है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। तो आज की आप
की टिप है, आपको याद करना है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के नाम तो याद ही हो गए होंगे आपको, विटामिन के वजह से, विटामिन डिफिशेंसी के वजह से जो डिजीज होती है वो आपको याद करना है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, कीप रिवाइजिंग।